नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील भौबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की, सरोकार की, या फिर छात्रों के भविष्य की, या फिर कर्मचारियों से जुड़ी खबर, फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार में कोरोना का लगातार कहर जारी है। बिहार में फिर बना कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड। प्रदेश में मिले 3,936 और पॉजिटिव, पटना में 781। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 80,000 के करीब पहुंच गई है। रविवार को प्रदेश में 3,934 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें अकेले पटना जिले से मिलने वाले संक्रमित 781 हैं। पटना में पिछले 5 महीने में 13,488 पॉजिटिव मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में एक दिन में सर्वाधिक 75,628 टेस्ट किए गए हैं। वहीं संक्रमण की चपेट में आने वाले और 10 लोगों की रविवार को मौत हो गई है। इधर बताते चले कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2,642 कोरोना संक्रमितों की इस बीमारी पर जीत हुई है। अब तक मिले 79,700 संक्रमितों में से 51,313 मरीज बीमारी को पराजित कर चुके हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 5 महीने में रिकॉर्ड 1,000,000 टेस्ट किए हैं, जिसमें मात्र 7.80% नतीजे पॉजिटिव पाए गए हैं। अकेले अगस्त महीने में करीब करीब 4,00,000 सैंपल की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो 10,21,906 टेस्ट में 79,720 संक्रमित मिले हैं। पटना से 781, बेगूसराय से 244, भोजपुर से 109, पूर्वी चंपारण से 162, गोपालगंज से 115, कटिहार से 177, मुजफ्फरपुर से 128, नालंदा से 103, रोहतास से 131, सहरसा से 108, समस्तीपुर से 146, सारण से 160, वैशाली से 132 और पश्चिमी चंपारण से 108 पॉजिटिव हैं। कोरोना से रविवार को और 10 लोग पराजित हो गए। पटना में 4 की मौत हुई है, जबकि भागलपुर में 2, पूर्वी चंपारण, नालंदा, मुंगेर, बांका में 1-1 व्यक्ति की मौत। बिहार में रिकॉर्ड 3.47 करोड़ पौधारोपण। बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर रविवार को सुबह में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चला। लोगों की जबरदस्त सहभागिता दिखी। बिहार के हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर 17% तक करने के लिए सरकार ने बिहार पृथ्वी दिवस यानी 9 अगस्त तक 2.5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य तय किया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक सिंह ने रविवार को बताया है कि इस अभियान के तहत 3.47 करोड़ पौधारोपण किया गया है। लॉकडाउन की वजह से यह तय किया गया था कि एक दिन की जगह लगातार 2-3 महीने तक यह अभियान चले। पिछले 3 महीने से पौधारोपण अभियान चल रहा था। इस दौरान करीब 1.40 करोड़ फलदार पौधे लगाए गए। इधर बताते चले कि मनरेगा के माध्यम से इस अभियान के तहत 1.02 करोड़ पौधारोपण हुए हैं। बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर कोविड-19 की वजह से पटना में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पथ निर्माण मंत्री ने राजधानी में निर्माणाधीन दीघा आर ब्लॉक 6 लेन के आर ब्लॉक वाले हिस्से के समीप पौधारोपण किया। बताते चले कि वृक्षारोपण इस कार्यक्रम में गम्हार, सेमल, अर्जुन, सागवान, शीशम, महोगनी, कदम, नीम, आम, कटहल, अमरूद व अनार के पौधे अधिक संख्या में लगाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा अब किसान भी बनेंगे उद्यमी। पीएम बोले किसानों को बिचौलियों से कराया जाएगा मुक्त। 1,00,000 करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च। पिछले कुछ महीनों में बड़े कृषि सुधार की राह बनाने के बाद अब सरकार किसानों को सीधे उद्योगों से जोड़ने की तैयारी में जुट गई है। रविवार को हल सृष्टि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,00,000 करोड़ रुपये का एग्री फंड लॉन्च करते हुए कहा है कि सरकार छोटे किसानों को पूरी तरह बिचौलियों और कमीशन खोरों से मुक्त करने में जुटी है। एग्री फंड भी इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसके माध्यम से किसान समूहों को वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा। यूं तो यह लोन केवल किसान समूहों के लिए है, लेकिन कृषि से जुड़े स्टार्टअप को भी इसका लाभ मिलेगा। इस लोन के ब्याज पर सरकार की ओर से 3% की रियायत मिलेगी। देश के किसानों को मिली 6ठी किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8.5 लाख करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का 17,000 करोड़ रुपया भी ट्रांसफर किया। हर किसान के खाते में 2,000 रुपये की 6ठी किस्त दी गई। किसानों को 3 किस्त में साल में कुल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है।
देश के किसानों के लिए अच्छी खबर। महाराष्ट्र बिहार के बीच चल रही किसान रेल 1,00,000 करोड़ रुपए की कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान को इस बंधन में क्यों रखा जाना चाहिए कि वह अपना सामान कहां बेचे। अब तक गांव में गोदाम नहीं थे और इसके लिए कानून जिम्मेदार था। किसान सीधे मैन्युफैक्चर से संपर्क कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, अब हम उस स्थिति के नज़दीक पहुंच रहे हैं जहां गांव से वस्तुएं शहर पहुंचेगी और शहर से गांव, यही आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है। उन्होंने महाराष्ट्र और बिहार के बीच शुरू हुई किसान रेल का भी हवाला दिया, जिसके जरिए किसान अपनी उपज बाहर भेजकर आय बढ़ा सकते हैं। राजधानी पटना आर ब्लॉक हार्डिंग रोड फ्लाई ओवर पर दौड़ने लगे वाहन। पटना शहर के एक बड़े हिस्से में आने जाने के लिए लगातार जाम को झेलने से रविवार को मुक्ति मिल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को आर ब्लॉक फ्लाई ओवर का उद्घाटन किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव भी मौजूद थे। उद्घाटन के क्रम में यह तय हुआ कि आर ब्लॉक फ्लाई ओवर का एक नया आर्म निर्माणाधीन और आर ब्लॉक दीघा 6 लेन के लिए भी बनाया जाए। बताते चले कि इस फ्लाई ओवर के बन जाने से अगर आप आयकर गोलंबर होते हुए हवाई अड्डे की ओर जाना चाहते हैं तो निर्बाध गति से इस फ्लाई ओवर के रास्ते आप वहां पहुंच जाएंगे, कहीं जाम में नहीं फंसना है। यह फ्लाई ओवर एयरपोर्ट फ्लाई ओवर से भी जुड़ा है, इसलिए उस और जाने के लिए यह बड़ी कनेक्टिविटी होगी। पटना खगौल रोड भी इससे जुड़ा है। बिहार के किसानों के खाते में आए 5,800 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में बिहार के किसानों के खाते में अभी तक कुल 5,806,30,44,000 रुपए आ चुके हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पीएम का आभार जताया और कहा कि सूबे के किसानों के खाते में इतनी बड़ी राशि पहली बार आई है। छठे किस्त के रूप में बिहार के 71,72,778 किसानों के खाते में 1,434,55,05,600 रुपए भेजे गए हैं। इसके पहले 4,371,74,88,000 रुपए भेजे जा चुके थे। शहीदों के याद में राजद ने किया पौधारोपण। राजद ने अगस्त क्रांति दिवस पर शहीदों की याद में पौधे लगाए। मुख्य आयोजन राजद के प्रदेश कार्यालय परिषद में किया गया। राजद के प्रदेश प्रवक्ता निरंजन गगन ने बताया कि राजद के प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के औषधीय और पर्यावरण को शुद्धता प्रदान करने वाले पौधे लगाए हैं। मिथिलांचल में बाढ़ का कहर जारी, डूबने से 9 लोगों की गई जान। सूबे में रविवार को भी नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी रहा। मिथिलांचल के मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा जिले के दर्जनों गाँव में बाढ़ का कहर जारी रहा। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर 17वें दिन भी ट्रेन परिचालन ठप रहा। मुंगेर और कटिहार में गंगा लाल निशान के पार पहुंच गई है। खगड़िया में कोसी और बागमती का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। बाढ़ के पानी में डूबने से 9 लोगों को मौत भी हो गई है। इसमें पश्चिम चंपारण के 4, पूर्वी चंपारण के 2, मधेपुरा, मधुबनी और दरभंगा के 1-1 लोग हैं। वहीं पश्चिमी तटबंध पर तैनात होमगार्ड जवान निरंजन प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त और नियमावली को लागू करने को लेकर नवल किशोर यादव ने सीएम और डिप्टी सीएम को लिखा पत्र। चुनाव के पहले बीजेपी ने खेला नियोजित शिक्षकों का कार्ड, मुख्यमंत्री के सामने रख दी 10 सूत्री मांग। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा पॉलिटिकल कार्ड खेल दिया है। बीजेपी अब नियोजित शिक्षकों के मामले में अपनी ही सरकार के सामने मांग रख रही है। बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त और मेमोरी को जल्द लागू करने की मांग की है। तो फिर नवल किशोर यादव ने न केवल मुख्यमंत्री की बल्कि उप मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त और उनके नियमों को लागू किया जाए। अतिथि शिक्षकों ने उठाई स्थायीकरण की मांग। विश्वविद्यालयों के अतिथि शिक्षकों ने सेवा नियमित करने की गुहार लगाई है। अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि सेवा नियमित होने तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा तय पारिश्रमिक दर से उन्हें प्रति माह 50,000 रुपए दिए जाए। स्कूलों में आज से 15 तक गंदगी मुक्त अभियान। राज्य भर के सरकारी विद्यालयों में 15 अगस्त तक गंदगी मुक्त अभियान चलेगा। इसकी शुरुआत 8 अगस्त शनिवार से ही हो गई। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने राज्य भर के स्कूल बंदी होने के बावजूद भी यह अभियान चलाने का निर्णय लिया है। कोचिंग संचालकों व शिक्षकों की चिंता करे राज्य सरकार।
कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार ने की MSME की तरह आर्थिक सहायता पैकेज देने की मांग। सुबह के करीब 10,000 कोचिंग संचालकों व उससे जुड़े लाखों शिक्षकों की तरफ से कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार ने सरकार से आर्थिक सहायता पैकेज की मांग की है। रविवार को हुई बैठक में संचालकों ने कहा है कि पिछले सितंबर महीने से ही कोचिंग कक्षाएं बंद होने से इससे जुड़े शिक्षकों के भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। सरकार हमारी चिंता नहीं करेगी तो बिल व दैनिक खर्च के बोझ तले कोचिंग शिक्षक आत्महत्या करने को विवश होंगे। मैट्रिक का 18 और इंटर का 19 से भराएगा परीक्षा फार्म। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 के परीक्षा फार्म भरने की तिथि जारी कर दी है। बोर्ड की माने तो मैट्रिक का 18 से 27 अगस्त तक और इंटरमीडिएट 2021 के लिए 19 से 28 अगस्त तक परीक्षा फार्म भरा जाएगा। खबरों में आज बस इतना ही, धन्यवाद।